नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छा होंगे। दोस्तों मेरी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम था, इसलिए वीडियो डाल नहीं पा रहा था, लेकिन अब लगातार वीडियो आपको डालते रहेंगे। दोस्तों मेरे पास कस्टमर का एक होम थिएटर आया है, जो कंपनी का ही सेट है। इसमें होता क्या है, थोड़ी देर बजाने के बाद ना तीनों सेटेलाइट से घर 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 की आवाज़ इसमें से आती, गाने चलता है और इसमें से आवाज़ आती रहती है। तो आपको चेक करके दिखाता हूँ, मैंने बोलूँ तो मैंने गाना चला दिया, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, खड़खड़ करके देखिए आवाज आ रही है, खड़खड़ सरसराहट टाइप की आवाज आ रही है। ये तीनों चारों में से आ रहा है, तो घुमाना पड़ेगा। देखिए खड़खड़ की आवाज आ रही है। ये इसमें भी लगा दिया मैंने, आवाज आ रही है और इसमें भी आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं इसमें दिक्कत क्या है। दोस्तों मैंने सेट को ओपन कर लिया है, ये आपको बता दूं। ये देखिए दोस्तों, ये बूफर का सफ़ेद वायर आ रहा है, तो दो आईसी इसमें 20-50 बूफर के लिए लगा है और दो आईसी सेटेलाइट स्पीकर के लिए लगा है। एक आईसी पे दो कनेक्शन होता है, तो ये उसके लिए 20-30 इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चालू करके मैं दिखाता हूँ आपको किस में कैसे हम फाइंड करेंगे कि किस में दिक्कत है। अब जैसे मान लीजिए हमने इधर इस थोड़ा ये देखिए इसमें लगाया, आर में लगाया मैंने, तो अभी ऑडियो टच करके देखेंगे विदाउट मल्टीमीटर को इस्तेमाल किए, बिना मल्टीमीटर के इस्तेमाल के देखिए। अब इसमें टक टक आएगा, देखिए पहली वाली पिन पे टच करना है आपको, दूसरी ना आइए ध्यान रखिए कि टच करें तो दोनों आईसी को एक साथ ना पेज का शॉर्ट हो जाए, नहीं तो आपको आईसी खराब हो जाए। देखिए टक 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 आ रहा होगा आवाज, ये यहाँ पे स्पीकर रख देता हूँ, तो ये देखिए टक 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 सनसनाहट में, एफएम का सनसनाहट टक 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 आ रहा। अब देखिए ये दूसरा पे लगा रहा हूँ मैं, यहाँ आरएस में लगा दिया, ये देखिए टक 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 आ रहा है। और फिर एलएस में लगाया, ये देखिए टक 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 आ रहा है। और एल में लगाया, अब ये देखिए टक टक आ रहा। तो ये ऐसे तो ऑडियो दोनों आईसीओ पर बराबर बता रहा है, लेकिन फिर भी हम फाइंड करेंगे घुमा के कि कौन से आईसी कौन सा सेटेलाइट से हमारा आवाज़ खर 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 के आ रहा है, तो किससे आ रहा है। तो मैंने दोस्तों फाइंड किया है बजा बजा के ना, तो ये इससे जो ऑडियो जुड़ी है, इस आईसी से जो पिनें जुड़ी है इसमें आ रहा है। तो पहले वाला हम बाहर वाली आईसी को हम बदल के देखेंगे, क्योंकि ऑडियो ठीक है लेकिन आईसी के अंदरूनी सर्किट में इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रॉब्लम है, तो जिसके वजह से इसका सलूशन यही है कि आप आईसी को बदल दें। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा पेस्ट डिसोल्डिंग वायर में लगा लीजिए और फिर इसको सेट बंद करके वायर को बाहर निकाल दीजिए मेन लीड को, और इसको हल्का हल्का गर्म करके डिसोल्डिंग करिए। इतने वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं डिसोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। जब तक दोस्तों मैं इसको डिसोल्डिंग करता हूँ, तब तक दोस्तों आपसे एक निवेदन है, आप मेरा एक छोटा सा काम करिए, मेरे वीडियो को तो देखते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, पुराना वाला 20-30 आईसी मैंने ये देखिए निकाल दिया, और ये नया मैंने 20-30 ले लिया, इसमें कंपाउंड लगा लिया, आप भी लगा लीजिएगा और फिर इसको ना ऐसे लगा लीजिए। ये देखिए मैंने लगा लिया, और इसका नट बोल्ट होता है, कस के सोल्डिंग मार के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आईसी लगा दिया, ये देखिए पेट्रोल से लगा के वाश कर दीजिए, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह ना लगे, और इसके नट बोल्ट को टाइट, देखिए टाइट कर दिया मैं, इसको बजा के आपको दिखाता हूँ।
मैंने 20-30 आईसी लगा के बैक कवर लगा दिया है इसका, और मैं सेट को ऑन कर दिया। देखिए एफएम आ गया, ब्लूटूथ ऑन करते हैं। The Bluetooth device, it's a Bluetooth device is connected successfully. मेरा कनेक्ट हो गया है, मैं आपको गाने बजा के दिखा रहा हूँ। कनेक्ट हो गया, देखिए सही बज रहा है। तो दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कोई आईसी चेंज करते हैं और फिर भी नहीं हो रहा, तो 2-4% ये वॉल्यूम का भी आप बदल सकते हैं। वैसे वॉल्यूम का कई दफे दोनों का होता है, लेकिन इसमें एक आईसी का ही था। तो आपका अगर ऐसे दिक्कत आता है तो वॉल्यूम भी आईसी चेंज करने के बाद ना हो, तो एक बार वॉल्यूम आप बदल सकते हैं। ओके दोस्तों।